दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था तराइन के पहले युद्ध के बारे में या फिर कहे तराइन की प्रथम लड़ाई के बारे में, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो तराइन की दूसरी लड़ाई थी वे कब हुई, कहां पर हुई, किस किस के बीच हुई, उस लड़ाई के क्या कारण थे और फिर उसके जो परिणाम है वो हमारे सामने क्या निकल कर आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अन अकेडमी जो कि इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। आपने करना क्या होगा, आपने सबसे पहले अन अकेडमी का जो लर्निंग ऐप है उसे डाउनलोड करना है और वहां पर सर्च करना है अमन कुहार, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप सीधे मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हो। आपको वहां पर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेंगी जो कि आपको हर कम्पिटिटिव एग्जाम में मदद करेगी। 1192 में मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य तराइन की दूसरी लड़ाई हुई, यानी किस किस के बीच में हुई, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। पहली लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, इन्हीं दोनों के बीच में हुई थी। कब हुई, 1192 में, और जो पहली लड़ाई थी वो कब हुई थी, वो 1191 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इस लड़ाई में हार किसकी हुई, तो इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा जबकि मोहम्मद गोरी को सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, तराइन की दूसरी लड़ाई के दुर्गामी प्रभाव पड़े, इसने भारत के भविष्य को अंधकारमय बना दिया। यानी कि जो मोहम्मद गोरी था उसकी तो जीत हुई और जो हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान था उसकी हार हुई, तो जो हिंदू साम्राज्य था वो खत्म होने लगा इस लड़ाई के बाद। दोस्तों अब हम जानेंगे तराइन युद्ध के कारण, यानी जो दूसरी लड़ाई थी उसके कारण क्या थे, वो लड़ाई क्यों लड़ी गई। तो देखिए, जो पहला कारण है वो है मोहम्मद गोरी की पराजय। मोहम्मद गोरी की पराजय इसका पहला कारण कैसे है, प्रथम तराइन युद्ध में मोहम्मद गोरी अपनी पराजय से तिलमिला उठा। जो पहला युद्ध हुआ था तराइन का उसमें तो उसको हार का सामना करना पड़ा था मोहम्मद गोरी को, इसलिए वो तिलमिला गया और इसी अपमान को सहन करने को तैयार नहीं था। उसने गजनी वापस पहुंचकर उन सैनिकों एवं सरदारों को कठोर दंड दिए जिन्होंने तनिक भी लापरवाही की थी। ठीक है, उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया तथा कठोर अनुशासन पर बल दिया। ठीक है, जो पहली हार हुई थी मोहम्मद गोरी को, हार का सामना करना पड़ा था इसलिए वो उसे अपना घोर अपमान समझता था और उसका बदला लेने के लिए वो हमेशा तैयारी करता रहा कि कैसे मैं अपनी जो यो हार हुई है इसका बदला लूं। तो मोहम्मद गोरी की पराजय इसका पहला कारण रहा। अब आगे देखिए दोस्तों, ताबरिंद की विजय 20 का जो तराइन की दूसरी लड़ाई थी उसका कारण रही, जो कैसे रही तो हम पढ़ते हैं। ताबरहिंद पर पृथ्वीराज चौहान का अधिकार था। ठीक है, 1189 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने इस पर सुगमता से अधिकार कर लिया, आसानी से इस पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गोरी ने ताबरहिंद की सुरक्षा के लिए जियाउद्दीन तोलक को नियुक्त किया था। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था ताबरहिंद के बारे में कि भाई इस पर पृथ्वीराज चौहान का अधिकार था, फिर मोहम्मद गोरी ने इस पर अधिकार कर लिया। लेकिन जब जैसे ये तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ इसमें क्या हुआ, इसकी पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई तो इसने पुनः उसे अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए ताबरहिंद पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और ताबरहिंद पर आक्रमण जो मोहम्मद गोरी था उसने वहां पर अपना एक बंदा छोड़ रखा था। कौन था वो, जियाउद्दीन तोलक। उसने 13 महीने तक पृथ्वीराज चौहान की सेना का मुकाबला किया लेकिन आखिर में उसे हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, और जैसे ही ये सूचना मोहम्मद गोरी को मिली तो वो फिर से गुस्से में तिलमिला उठा, उसने पृथ्वीराज चौहान को सबक सिखाने का। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो ताबरहिंद की विजय थी वो भी तराइन की दूसरी लड़ाई का मुख्य कारण थी। अब हम पढ़ेंगे तीसरा कारण इसका, और वो कारण है जयचंद राठौर का निमंत्रण। जयचंद राठौर कन्नौज का शासक था। कहाँ का शासक था, कन्नौज का। उसे पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती हुई शक्ति फूटी आंख नहीं भाती थी, पर दूसरी ओर उसकी पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम को देखते हुए उसे मन ही मन प्यार करने लगी थी। देखिए दोस्तों, जो यू था कन्नौज का शासक जयचंद राठौर, वो तो पृथ्वीराज चौहान से बहुत जलता था, नफरत करता था, ईर्ष्या करता था, लेकिन उसकी बेटी पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती थी। क्यों करती थी, क्योंकि वो बहादुर था और बहुत ही पराक्रमी था। जयचंद राठौर ने पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के उद्देश्य से संयोगिता के स्वयंवर में उसे न्योता नहीं दिया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को उसको न्योता नहीं भेजा,
लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान को इसकी सूचना मिली तो वो फौरन कन्नौज पहुंचा। उसने भरे दरबार में संयोगिता को उठा लिया तथा उसे भगा ले गया। ठीक है, वापस पहुंचते ही उसने संयोगिता से विवाह कर लिया। इस घटना से जो जयचंद राठौर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने पृथ्वीराज चौहान से इस घोर अपमान का बदला लेने का प्रण किया। इस उद्देश्य से उसने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। तो देखिए ये बहुत ही मेन पॉइंट है, जयचंद राठौर था, इसने मोहम्मद गोरी को भारत में बुलाया अपना बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान से। मोहम्मद गोरी पहले से ही किसी सवर्ण अवसर की प्रतीक्षा में था, वो तो ये चाहता था कि भी मुझे कोई ऐसा अवसर मिले, अतः उसे फौरन इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। तो जो पृथ्वीराज जो जयचंद राठौर का निमंत्रण था वो भी तराइन युद्ध का प्रमुख कारण बना, तराइन की दूसरी लड़ाई का प्रमुख कारण। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे तराइन युद्ध की घटना के बारे में, जो कि तराइन की दूसरी लड़ाई हुई तो उसकी घटनाएं क्या थी। तो देखिए 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने 120,000 सैनिकों के साथ भारत की ओर कूच किया। ठीक है, शीघ्र ही वह तराइन के उसी मैदान में पहुंचा जहां उसे प्रथम लड़ाई के दौरान पराजय का सामना करना पड़ा था। जहां तराइन की प्रथम लड़ाई में वो हारा था वह उस स्थान पर दोबारा से पहुंच गया। मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना के 5 भागों में बांटा था। उसने 12,000 सैनिकों को एक भाग पीछे आरक्षित रखा। इसका कार्य आवश्यकता पड़ने पर शत्रु पर आक्रमण करना था। ठीक है, दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के आगमन की सूचना पाकर राजपूतों को अपनी स्वतंत्रता के लिए एक ध्वज के नीचे इकट्ठा होने का आह्वान किया। परिणाम स्वरूप 150 राजपूत सामंत पृथ्वीराज चौहान के अधीन इकट्ठे हो गए। ठीक है, राजपूतों ने क्या कहा कि भाई सब इकट्ठे हो जाओ, युद्ध होना है, मोहम्मद गोरी से को फिर से हराना है। तो 150 राजपूत सामंत इकट्ठे हो गए। लेकिन इस लड़ाई में कन्नौज के राजा जयचंद राठौर ने अपनी दुश्मनी के चलते पृथ्वीराज चौहान की अपेक्षा मोहम्मद गोरी को समर्थन किया। ठीक है, जैसे कि जयचंद राठौर ने तो उसे बुलाया है तो पृथ्वीराज में तो शामिल नहीं हो सकता उसकी सेना में, तो वो मोहम्मद गोरी की तरफ से लड़ा इस युद्ध में। आगे देखिए, इस लड़ाई में फरिश्ता के अनुसार, यानी फरिश्ता एक इतिहासकार है, उसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान की सेना की संख्या 300,000 घुड़सवार, 3,000 हाथी तथा बड़ी संख्या में पैदल सैनिक थे। ठीक है दोस्तों, ये थी उसकी सेना। ये इस बात में कोई शक नहीं है कि ये संख्या बहुत ही अधिक है। जो मुस्लिम इतिहासकार है जानबूझकर अपने शत्रु की सेना की संख्या अधिक बताते थे ताकि अपने आश्रयदाता की महिमा का अधिक गुणगान किया जा सके। यानी कि जो मुस्लिम शासक थे उनके गुणगान करने के लिए कि भाई उसने तो इतनी सेना को थी उसके पास, उसने तो फिर भी हरा दिया, ये कहने के लिए इस सेना को इसकी संख्या जो ज़्यादा बताई सेना की। इस लड़ाई में गोविंद राय पृथ्वीराज चौहान की अग्रिम सेना का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, जो गोविंद राय था जिसने ये युद्ध पहला युद्ध था वो इसी के कारण जीते थे क्योंकि इसके दो तार टूट गए थे, फिर इसको गुस्सा आया था और फिर इसने मोहम्मद गोरी की वो आलित की थी जिसे वो मैदान छोड़कर भाग गया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान केंद्रीय सेना का नेतृत्व कर रहा था। वो बीच मतलब सेंटर में कौन था? पृथ्वीराज चौहान। आगे कौन था? गोविंद राय। ठीक है, बोला बाएं पक्ष का एवं नदम शाह रावल दाएं पक्ष का नेतृत्व कर रहा था। बस आप इसे मतलब एक इमेज ही बना लीजिए भाई कौन कहां पर खड़ा था, इससे आपको क्या होगा, ये युद्ध आसानी से याद हो जाएगा और आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे। तो आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान एवं उसके मंत्री मोहम्मद गोरी के झांसे में आकर युद्ध के प्रति लापरवाह हो गए। जो पृथ्वीराज चौहान थे ना और उसके मंत्री थे, वो मोहम्मद गोरी ने उसको झांसी में ले लिया और लापरवाह हो गए और आराम करने के लिए चले गए। दूसरी ओर मोहम्मद गोरी को अगले दिन की रणनीति में लग गया। ये बड़ी ही कटु नीति से काम किया, बड़ी ही चाल खेली मोहम्मद गोरी ने। अगले दिन सुबह होते ही जब पृथ्वीराज चौहान के कुछ सैनिक अभी निंद्रा में ही थे, कुछ नित्यक्रम में लगे हुए थे, मोहम्मद गोरी के सैनिकों ने अचानक धावा बोल दिया। उस समय पृथ्वीराज चौहान अपनी नवविवाहिता रानी संयोगिता के साथ अपने खेमे में गहन निद्रा में सोया हुआ था। ठीक है, जब तक मामला किसी के समझ में आता तो चारों ओर राजपूत सैनिकों के लाशों के ढेर लगे हुए थे। इसके बावजूद जब तक बाकी बचे राजपूत सैनिकों ने शीघ्र ही मोर्चा संभाला,
राजपूत सैनिकों की वीरता देखकर तुर्क सेना भी हैरान रह गई। अतः तुर्क सेना ने मोहम्मद गोरी के आदेश पर रण क्षेत्र से भागने का नाटक किया। ठीक है, ये भी इसकी मोहम्मद गोरी की एक चाल थी कि भाई जैसे ही हम हारते हुए दिखाई दिए तो आप भाग लेना, क्योंकि भागते पर राजपूत तो आक्रमण करेंगे नहीं, वे तो उसकी शान के खिलाफ है। राजपूत सेना उनके पीछे हो गई। जब राजपूत सेना कुछ आगे निकल गई तो तुर्क सेना ने जो आरक्षित रखी गई सेना थी उस पर एक जोरदार धावा बोल दिया। जैसे मैंने आपको बताया था इस घटना की, जब मैं आपको बताया था कि वितरण की दूसरी लड़ाई की जो घटना थी उसमें जो उसने 12,000 सैनिक अपने अलग रखे थे ना, जैसे वो जो सेना लड़ रही थी वे तो भागी, और जैसे ही जो या इसके पृथ्वीराज चौहान की सेना थी ये इसके पीछे गई तो उसके पीछे से उन 12,000 सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर धावा बोल दिया। इससे थकी हुई पृथ्वीराज चौहान की सेना में अफरा तफरी मच गई। गोविंद राय रण क्षेत्र में मारा गया। यह सूचना पाकर पृथ्वीराज चौहान भी रण क्षेत्र से भाग गया, किंतु शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया एवं उसका वध कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई। पृथ्वीराज चौहान का वध कब और कहाँ किया गया इस बारे में इतिहासकारों में मतभेद है, यानी स्पष्ट नहीं है कि उसकी जो मौत हुई वे कब हुई, कहाँ पर हुई। ठीक है, तो ये थी दूसरी लड़ाई की घटना, कैसे कैसे हुई, वे कितने सैनिक थे, कैसे कैसे वे खड़े थे युद्ध के मैदान में, कैसे मोहम्मद गोरी ने अपनी एक चाल खेली जिससे वे युद्ध में जीता और पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार किया गया, उसको मारा गया। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं जो उत्तरायण की दूसरी लड़ाई थी उसके प्रभाव या फिर परिणाम, यानी कि उसके क्या प्रभाव पड़े या फिर क्या परिणाम हमारे सामने निकल कर आए। तो देखिए, उत्तरायण की दूसरी लड़ाई भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक है। इसके दूरगामी परिणाम निकले। जो पहला परिणाम था वो ये था कि इस लड़ाई में पराजय के कारण राजपूतों एवं विशेष रूप से चौहान की शक्ति को गहरा आघात लगा। जो राजपूत थे और चौहान थे उनकी शक्ति को गहरा आघात लगा। दूसरा, इस लड़ाई में पराजय के बाद भारत में हिंदुओं के प्रभुत्व के युग का अंत हो गया, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान था वो तो हिंदू राजा था और उसकी मौत हो गई, उसे युद्ध में मार दिया गया, वो वीरगति को प्राप्त हो गया, तो जो उनका प्रभुत्व था उसका युग का अंत हो गया और मुस्लिम राजा की स्थापना का मार्ग खुल गया। जो तीसरा परिणाम हमारे सामने आया वो ये था कि त्राण की लड़ाई में हुए भयंकर लूटमार के कारण हरियाणा की जन धन की अपार हानि हुई। ठीक है, जो हरियाणा है जो इंडिया का भारत का एक राज्य है उसमें आदमी भी बहुत मरे और धन की भी अपार हानि हुई। जो चौथा है, पृथ्वीराज चौहान भारत में इस्लाम के प्रसार के मार्ग में एक कड़ी बाधा था, अतः इसके अंत के साथ ये बाधा भी दूर हो गई। जो पांचवा परिणाम हमारे सामने निकल कर आया कि भारत में मोहम्मद गोरी एवं उसके सेनापतियों ने मंदिरों का विनाश करके उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। जो मंदिर थे हिंदुओं के वे तोड़ दिए गए और जो मुसलमानों की मस्जिद थी उसका निर्माण करवाया गया। ये परिणाम हमारे सामने त्रैन की दूसरी लड़ाई के बाद आया। इससे भारतीय कला को गहरा आघात लगा, क्योंकि वे जो मंदिर थे वे बड़े सुंदर थे, वहाँ पर भारतीयों की कला दिखाई दे रही थी, झलक रही थी, लेकिन वो अब खत्म हो गई। जो छठा परिणाम या प्रभाव हमको दिखा वो ये है कि त्राइन की दूसरी लड़ाई में विजय के परिणाम स्वरूप तुर्क सेना का साहस बहुत बढ़ गया। उसने सिगरी, हांसी, दिल्ली, गुड़ाम, सिरुस्ती, समाना व अजमेर पर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, निसंदेह त्राइन की दूसरी लड़ाई के बाद भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रमाणित हुई। तो ये थी त्राइन की दूसरी लड़ाई। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि त्राइन की युद्ध जो दूसरी लड़ाई थी वे कहाँ पर हुई, कब हुई, किस किस के बीच में हुई, उसके क्या कारण थे, उसकी घटना के बारे में बताया और भी बाद में मैंने आपको बताया उसके परिणामों के बारे में कि उसके क्या परिणाम हमारे सामने निकल कर आए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है, और ऐसी ही एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।